सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गंद, आप में से बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे कि भैया थोड़ा धीरे बोला करो, तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा धीरे बोलने की, और मेरे ख्याल से अगर मैं धीरे बोलूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा और मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी और मुझे मिलेगा वॉच टाइम। तो खैर, उस बात को साइड में रखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन जर्नीज के बारे में। सो गंद, पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 40, 41, 42, 43 और 44 के टाइटल्स यहाँ पर आ चुके हैं, और आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि इन एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूँ, ये जब तो जैपनीज में मुझे देखने को मिले थे, तो जैपनीज में आए थे, तो मैंने थोड़ा इन्हें इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। तो कौन तो जानते हो कि इंग्लिश उतना सही से नहीं हो पाता है, तो कौन तो थोड़ा बहुत उधर इधर उधर होगा, तो आप लोग कैसे भी करके मैनेज कर लेना। हालांकि मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो खैर, आगे वीडियो का भी ऑसम होने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो। 3000 सब्सक्राइब करनी है हमें नवंबर से पहले, तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर दो अभी से लाइक, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन पर ये न्यूज़ पहुंचे। तो बिना किसी तरीके चलो हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 40। तो ये एपिसोड आएगा 4 अक्टूबर को, यानी अगले महीने 4 अक्टूबर को एपिसोड आएगा। और इस एपिसोड का नाम होने वाला है राइड दे ज़ेब्डोस ना पावर प्लांट, और जन्म थोड़ा इधर उधर नाम है, तो आप कैसे भी करके पढ़ लो, मतलब स्क्रीन पर मैंने दिया रखा है इसका नाम, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। खैर, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो में इतना सही से नहीं पढ़ पाता हूँ, और इससे पहले मैंने कोई स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस नहीं करी, बिकॉज मैं एकदम से एपिसोड आए तो मैं एकदम से वीडियो बनाने में लग गया। तो कौन तो इस एपिसोड में मेरे ख्याल से ऐश और गो एक पावर प्लांट पर जाने वाले हैं, जहाँ पर उन्हें ज़ेब्डोस मिलेगा, और मेरे ख्याल से ज़ेब्डोस यहाँ पर कोई गड़बड़ करेगा, या फिर ज़ेब्डोस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ गड़बड़ वगैरह होगी, मतलब कुछ मंगा वगैरह तो होने वाला है यहाँ पर। तो कौन तो एपिसोड मेनली ज़ेब्डोस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो अगर देखते हैं इस एपिसोड में क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से इसमें ऐश और गो में से कोई एक तो ज़ेब्डोस को पकड़ेगा, मेरे ख्याल से गो के ज़्यादा चांस लग रहे हैं, बिकॉज जो पोकेमोन जर्नीज के सीजन 2 का जो थीम सॉन्ग आया था उसमें किंतु गो ज़ेब्डोस पकड़ा था, मतलब एक पोकेबॉल में ज़ेब्डोस निकला था और वो पोकेबॉल गो पकड़ा था। तो हो सकता है कि गो यार ज़ेब्डोस को पकड़ ले, और मेरे को तो कंफर्म ही नहीं है कि वो पकड़ेगा। वो तो किंतु थीम सॉन्ग में बहुत सी बार गलत भी चीज़ें बता देते हैं, मे भी हो सकता है कि ऐश पकड़ ले, या फिर हो सकता है कि कोई ना पकड़े। खैर, आपको क्या लगता है कौन पकड़ेगा या फिर क्या होगा इस एपिसोड में, आप लोगों के मन को जरूर बताना। तो बात कर लेते हैं एपिसोड 41 की। तो ये एपिसोड आएगा 11 अक्टूबर को, और इस एपिसोड का नाम होने वाला है एपिसोड डार्क कोहारू, और मेरे ख्याल से एपिसोड मेनली कोहारू के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और मेरे ख्याल से इस एपिसोड के बाद यार कोहारू ऐश और गो के साथ ट्रैवल लगे, बिकॉज एक अंदर कोहारू जो पोकेमोन जर्नीज की मेन पोकेगर्ल है, लेकिन अभी तक वो ऐश और गो के साथ ट्रैवल नहीं करी है, मतलब उन तो पोकेमोन जर्नीज को 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक उन तो कोहारू ऐश और गो के साथ ट्रैवल नहीं करी है। हालांकि वो बात अलग है कि 37 एपिसोड ही हुए हैं, लेकिन उन तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है पोकेमोन जर्नीज को स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक कोहारू ऐश और गो के साथ ट्रैवल नहीं किए। तो हो सकता है कि इस एपिसोड के बाद कोहारू ऐश और गो के साथ ट्रैवल करे, या फिर हो सकता है कि उसका जो बॉयज से रिलेटेड जो वो इग्नोर करती है बॉयज को, या फिर कौन तो इतनी इंट्रोवर्ट लड़की है तो सकता है उसका वो दूर हो जाए, या फिर वो सारे पोकेमोन से घुल मिल के बात करने लगे, तो कौन तो कुछ भी हो सकता है इस एपिसोड में। खैर, आपको क्या लगता है कि इस एपिसोड में क्या होगा, आप लोग मेरे को जरूर बताना चाहता हूँ। हालांकि तो मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड के बाद कोहारू ऐश और गो ट्रैवल करने लगेगी। सब बात कर लेते हैं एपिसोड 42 के बारे में। तो एपिसोड कौन तो 18 अक्टूबर को आएगा, और इस एपिसोड का नाम होने वाला है इंट्रोड्यूस प्रोफेसर मंगोलिया ग्रोकिड गो, और कौन तो माफ करना, मैं थोड़ा गलत पढ़ रहा हूँ, आप सामने देख सकते हो कैसे एपिसोड का टाइटल। तो अगर आप नहीं जानते प्रोफेसर मंगोलिया कौन है, तो कौन तो पोकेमोन सोलन फील्ड में पोकेमोन जर्नीस की प्रोफेसर हैं, जैसे आप प्रोफेसर ओ को जानते हो, मतलब प्रोफेसर सेकमोर को जानते हो, वैसे ये कौन तो गलार की प्रोफेसर है, और ये कौन तो लोगों को मतलब कौन तो बच्चों को स्टार्टअप देती हैं। और इस एपिसोड में ग्रोकी लिखा है और गो लिखा है, तो मे भी हो सकता है कि इस एपिसोड में गो यार ग्रोकी को पकड़ ले, मे भी हो सकता है कि ऐसे ही पकड़ ले, जानते हैं कि दोनों स्टार्टर यार गो के पास नहीं है, सबल और राबूत, मे भी हो सकता है कि गो पकड़ लेगी रोकी को, मे भी हो सकता है कि यश पकड़ लेगी, यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर गो लिखा है, तो मे भी हो सकता है कि गो पकड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि एपिसोड ग्रोकी को वो बेस्ड हो। खैर, आपको क्या लगता है कि इस एपिसोड में क्या होगा, आप लोगों का कमेंट होगा जरूर बताना। सब बात कर लेते हैं पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 43 की। तो ये एपिसोड कौन तो 25 अक्टूबर को आएगा, और इस एपिसोड का नाम है ऐश वर्सेस गो पार्ट 1। तो पता चल रहा है कि ऐश और गो की फाइट होने वाली है, और मेरे ख्याल से इस बैटल में यार ऐश जीत सकता है, और मेरे ख्याल से ऐश जीतेगा, कोशिश करते हैं कि ऐश को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कोशिश मैं खेल कर तो कुछ भी हो सकता है। मेरे को तो यहाँ तक पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐश और गो के बीच फाइट होने वाली है। तो कौन तो जो पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड 44 है, तो इसका नाम ही कोई ऐसा ही है, मतलब ऐश वर्सेस गो पार्ट 2। तो मेरे ख्याल से बैटल का धमासान चलने वाली है और बहुत देर तक चलने वाली है, तभी कौन तो 2 एपिसोड में है ये, और ये जो ऐश वर्सेस गो पार्ट 2 ये आएगा यार 2 नवंबर को। हालांकि मैं पहले कहना भूल गया, मैंने पहले टाइटल कह दिया। तो कौन तो एपिसोड यार 2 नवंबर को आएगा, और मेरे ख्याल से दोनों एपिसोड में ऐश और गो की फाइट होगी, और मेरे ख्याल से कभी कमाल की फाइट होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐश जीतेगा इस फाइट में, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऐश को थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है गो से। खैर, आपको लगता है कि ऐश और गो में से कौन जीतेगा, आप लोग बताना। तो
बारे में पता चले तो मैं आज के लिए गुड बाय।